दिन भर की पढ़ाई करने के बाद घर वापसी का सफर भी इसी तरह शुरू होता है। मनिन फिर छोटे भाई को पीठ पर लेकर घर के लिए निकल पड़ती है और साथ में दोनों भाई बहन भी होते हैं। बड़ी होने के नाते इन सब को सुरक्षित स्कूल लाना और घर ले जाना इसी का जिम्मा है। दरअसल मनिन के पिता बीमार हैं, ऐसे में उनके हिस्से का काम करने के लिए मनिन की माँ को बाहर जाना पड़ता है। पिता की हालत इतनी भी नहीं कि घर में छोटे बच्चों को संभाल सके। माँ के लिए छोटे बच्चे को साथ रखकर मजदूरी करना कठिन है। ऐसे में मनिन ने ही तय किया कि वो पढ़ाई का बोझ और घर की जिम्मेदारी दोनों एक साथ उठाएगी। बेटी की पढ़ाई से समझौता माँ को भी मंजूर नहीं था। मनिन उन बच्चों के लिए मिसाल है जिनके पास सारे संसाधन हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल टैबलेट्स हैं, महंगे स्कूल हैं, मोटी मोटी फीस वाली ट्यूशन्स भी हैं, तमाम तरह के एजुकेशन ऐप के सब्सक्रिप्शंस हैं, लेकिन शायद जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो ही नहीं है, मजबूत इच्छा शक्ति, ललक और लगन। कहते भी हैं कि कोई व्यक्ति अनुभवों से ज्यादा बेहतर सीख पाता है, संघर्ष की भट्टी में तपता और ज्यादा निखरता है, ज्यादा चमकता है, जैसे इस वक्त मनिन चमक रही है। नन्ही मनिन की कहानी में दो पहलू है, दुनियावी सुविधाओं से दूर रहकर गरीबी से लड़ाई और जीवन के सही राह पर चलना। जीवन के राह कांटे रहित हो इसलिए इस छोटे उम्र से ही वो अपना कोशिश शुरू कर दी है। मणिपुर के तमेंगलोंग से समित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिंस द एल्डेस्ट अमंग द सिबलिंग्स एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर बेबी ब्रदर्स हियर एट क्लासरूम्स एंड आई वांट एवरीवन टू रियलाइज दैट व्हाई डोंट वी हेल्प हर।